चलिए बच्चों सभी लोग रेडी हैं अगर सभी लोग तैयार हैं भाई आरआरबी एएलपी की क्लास के लिए तो फटाफट से आ जाइए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी आपकी हो रही हैं आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले दो दिन में अभी आपने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे और अगर किसी बच्चे ने मैं मुझे तो वैसे उम्मीद कम लग रही है कि किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया होगा लेकिन अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है तो वो बच्चा मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि भाई मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है यानी जिस आधार पे आपके प्रश्न आए हैं उसी आधार पे आपके प्रश्न इस जो अभी आपकी क्लास चल रही है डेली सुबह मॉर्निंग में सुबह दस बजे से जिये जिये इसकी तो उसमें आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये चीज आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हो तो ठीक है तो बच्चों

तो ये ये जो कूपन कोड यूज करने वाला है ये केवल आप मात्र कहा जाए कि 10 फरवरी तक ही यूज कर पाएंगे जी सभी बच्चों को राधे राधे जय श्री कृष्णा सुचिता प्रजापति जी अमन कुमार प्रदीप कुमार एंड संत सरोवर <coughs> प्रदीप यादव जी विपिन पांडे बादशाह जी सभी बच्चों का स्वागत है तो बच्चों ये प्रश्न मैंने होमवर्क प्रश्न में पूछा था कि भाई प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो प्रार्थना समाज की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडू द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था साथियों इसका उद्देश्य था कि जो भी जो कहा जाए दलित वर्ग था या कहा जाए जो पिछड़ा वर्ग था या कुछ ऐसे वंचित वर्ग थे जिनको मेन धारा से या कहा जाए मेन जो स्ट्रीम उससे वंचित रखा गया था उनको जोड़ने के काम के लिए बनाया गया था प्रार्थना समाज किस उद्योग में अभ्रक जो है अभ्रक का यूज जो है बच्चों यानी जो मीका होता है मीका का यूज कच्चे माल के रूप में यानी रॉ मटीरियल के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है इनमें से कौन सा उद्योग है यानी लो, लो और उद्योग में खिलौने के उद्योग में ग्लास और कुमारी के उद्योग में या फिर विद्युत के उद्योग में तो बच्चों किसके उद्योग में जो है अब्रक का यूज कच्चे माल के रूप में किया जाता है यानी रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिए अब देखिएगा यहाँ पे राइट right आंसर क्या होगा अभी ज्यादा बच्चों का आंसर नहीं आया है बच्चों राइट आंसर होगा विद्युत विद्युत के क्षेत्र में जो अब्रक होता है ना अब्रक का प्रयोग जो है कच्चे माल के तौर पर किया जाता है ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा यानी इस समय अगर देखा जाए तो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है यानी कि के केंद्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई कौन है पुरुषोत्तम रूपाला जी नारायण रण ने मनसुख मंडाविया मनसुख लाल मंडाविया इनका पूरा नाम है या हरदीप सिंह पुरी जी श्रद्धानंद प्रसाद जी सी सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आंसर मनसुख मंडाविया जी हैं इस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अगला प्रश्न देखिएगा साथियों अगला प्रश्न बच्चों क्या है यहां पर जी सभी सभी लोगों का सही था मनसुख लाल मंडाविया हाल ही में जारी नले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 अभी पिछले साल बच्चों ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये पूरी दुनिया भर के पासपोर्ट को रैंक करने का काम करता है रैंक करने का काम यानी कि, कि किस देश का पास जिस देश का पासपोर्ट नंबर वन नंबर टू पे होता है तो इसका मतलब होता है कि उस देश के के लोग जब भी पासपोर्ट अपना कहीं पर भी दिखाते हैं तो उन्हें बड़ा ही सेफली या कहा जाए बहुत जल्दी से परमिशन हर चीज की दे दी जाती है तो ये हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसके पास है यानी सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है भाई सभी बच्चों को जरा कमेंट करके बताना है बताइएगा सिंगापुर आंसर आ रहा है सिंगापुर आंसर आया है सोनकर जी का एंड गोविंद एंड शरद नंद बिल्कुल सही उत्तर है नंबर एक पर है सिंगापुर नंबर टू पर है आपका जापान नंबर टू पर कौन सा देश है भाई जापान नंबर तीन पे बच्चों कौन सा है साउथ कोरिया ठीक है साउथ कोरिया तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट होता है उसे पूरे विश्व भर में सबसे जल्दी मान्यता दे दी जाती है अगला परियोजना है बगलिहार परियोजना है आपको बताना है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये बगलिहार परियोजना किस नदी पर है किस नदी पर स्थित है सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा अगर पता है तो जी विपिन पांडे जी कह रहे हैं डी मैम इंडिया का भाई इं, इंडिया का बताइए आप लोग बताइए इंडिया का कितना है मैम इंडिया का बताइए ना चलिए सभी लोग बताइए फिर हम बताते हैं आपको चलिए पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या था यहाँ पे राइट आंसर क्या है चिनाब भाई क्या है राइट आंसर चिनाब चिनाब का चिनाब नदी पर जो है अगर देखा जाए तो जो सिंधु नदी है ना सिंधु नदी में सबसे पहले जाके कौन सी नदी मिलती है चिनाब नदी और चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनती है कौन सी दो नदियों से मिलकर बनती है चंद्र और चंद चंद्र और भागा कौन सी चंद्रभागा एक नदी है चंद्र और एक नदी है भागा तो चंद्रभागा नदी से निर्माण होता है चिनाब नदी का ठीक है चलिए अब जरा यहाँ पे बताइएगा ये ये प्रश्न तो हो गया अभी पासपोर्ट वाला किसी ने बताया नहीं पासपोर्ट वाला जरा बताइएगा अगला प्रश्न देखिएगा सेमी हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है भारत में अभी इस समय टोटल कितनी ट्रेनें हो चुकी हैं इकतालीस वंदे भारत ट्रेनें चल चुकी हैं इस वंदे भारत ट्रेन में पहली बार महिला लोको पायलट कौन बना बना था भाई महिला लोको पायलट यानी वंदे भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा जी बी उत्तर आ रहा है सुचिता जी सोनकर मांसु बादशाह जी सुरेखा यादव बिल्कुल सही उत्तर है तो सुरेखा यादव वंदे जो आ, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसमें पहली महिला लोको पायलट बनी थी ठीक है चलिए आगे देखिएगा भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है यानी सबसे बड़ी जो ट्राइब अगर देखा जाए या सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह देखा जाए वो भारत में कौन सा है भाई सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा भील जनजाति गोंड जनजाति संथाल जनजाति या फिर थारू जनजाति भील जनजाति बिल्कुल सही उत्तर है और ये भील सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है आपके एमपी में संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है आपके सबसे ज्यादा झारखंड में और संथाल मैंने क्यों फोकस किया क्योंकि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है भाई हमारे देश की इस समय राष्ट्रपति कौन है द्रौपदी मुर्मू जी तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो संबंध है वो संथाल जनजाति से है, लेकिन पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा जनजाति देखा जाए जो संख्या है वो भीलो की है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर थारू जनजाति कोई एक जगह नहीं पाई जाती है थारू जनजाति कई जगह पर है ठीक है अब देखिएगा यहाँ पर आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी साथियों कौन सी है? यानी कि जो अंडमान निकोबार जो कि हमारा एक क्या है भाई? अंडमान निकोबार हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी नीरम कुमारी जी नी, नीलम कुमारी जी ए सुचिता मनीष श्रद्धा अमन विपिन बादशाह And and सागर चलिए देखिएगा यहाँ पे राइट right आंसर क्या होगा ए यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई सैडल पीक कौन सी है सैडल पीक सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है साथियों ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिएगा अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका आर आरबी एल पी का जो आपने सिलेबस नोट किया होगा सीबीटी वन का तो अगर मैं सीबीटी वन की बात करूं भाई तो सीबीटी वन में आपने देखा होगा साफ साफ लिखा है कि पॉलिटी आएगी इकोनॉमी आएगी है ना पॉलिटी आएगी इकोनॉमी आएगी और स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे इन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है तो जरा बताइएगा बच्चों एलबीडब्ल्यू शब्द का प्रयोग या एलवी LB शब्द एलवीडब्ल्यू शब्द का संबंध किस खेल से है जी क्रिकेट आंसर आ रहा है श्रद्धा जी बिल्कुल चलिए क्रिकेट अच्छा श्रद्धा जी कह रही है फुटबॉल अंश यादव ए भाई एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट लेग बिफोर विकेट इसका मतलब क्या होता है यानी जब आप स्टम्प स्टम्प के आगे स्टम्प के आगे जब बॉल आती है तो बॉल आने पर अगर आपका पैर बॉल के पे पड़ गया यानी कि बॉल अगर आपके पैर पर आ गई तो वो होता है लेग बिफोर विकेट इससे लगता है कि आपने पैर से अपना विकेट बचाने की कोशिश की तो इसमें क्रिकेट में इसमें आउट दिया जाता है तो एलबीडब्ल्यू का का संबंध किस खेल से है भाई क्रिकेट से है अगला प्रश्न देखिएगा देश का पहला यानी पूरे भारत का पहला जो रेल ब्रिज है कैसा रेल ब्रिज है भाई केबल स्टे केबल स्टे का मतलब है इस पे रेल चलेगी इस पे क्या चलेगी भाई इस पे ट्रेन चलेगी और ये कैसा ब्रिज है ये केबल स्टे ब्रिज है यानी कि केबल <laughs> यानी तार द्वारा लटका हुआ पुल है तो आपको बताना है ये ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है साथियों विपिन रेल इस पर चलेगी और ये भारत का पहला रेलवे पुल है जो कि केबल वाला पुल है लद्दाख में जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम क्या होगा राइट आंसर साथियों चलिए जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर है तो जम्मू और कश्मीर में ये रेलवे का जो सबसे कहा जाए भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है अगला प्रश्न देखिएगा भारत के किस राज्य में? में सभी बच्चे बताएंगे भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है सभी लोग बताइएगा भारत के किस राज्य में बच्चों फुलहर झील स्थित है मध्य प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश या फिर बिहार सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा नो आइडिया नो आइडिया यूके भाई फुलहर झील जो है ये फुलहर झील आपके यूपी में स्थित है कहाँ पर यूपी में और यूपी में जो फुलहर झील है इसी फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है इसी फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है कौन सी नदी गोमती नदी और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है लखनऊ तो यहाँ पे पूछा गया है कि फुलहर झील कौन से राज्य में स्थित है तो फुलहर झील आपके यूपी में स्थित है अगला प्रश्न देखिएगा वर्ष 1932 का जो पूना समझौता हुआ था वर्ष 1932 में पूना पैक्ट हुआ था 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 या कहा जाए पूना समझौता हुआ था। इसका सीधा संबंध किससे भाई भारतीय भारतीय महिलाओं से मजदूर वर्ग से भारतीय कृषक वर्ग से या फिर भारतीय दलित वर्ग से सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जोरदार थम्सअप भी कर दीजिएगा जी महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही उत्तर है भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था क्योंकि इसका संबंध किससे था सांप्रदायिक पंचायत से या जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है कम्युनल अवार्ड्स तो यहाँ पर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति थी पहले इन्होंने पहले इन्होंने मुस्लिम के लिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया फिर इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए क्या कहा कि भारत के जो हरिजन समाज के लोग हैं या कहा जाए जो दलित वर्ग के लोग हैं इनके लिए भी अलग से, से चुनाव होना चाहिए इनके लिए भी अलग से निर्वाचक मंडल होना चाहिए लेकिन गांधी जी इस बात पर अड़ जाते हैं कि इस प्रकार तो फिर भारत बचेगा ही नहीं भारत तो पूरी तरीके से टूट जाएगा तो उस समय गांधी जी यरवड़ा जेल में थे और यरवड़ा जेल में रहने पर ही पूना पूना में है यरवड़ा जेल आपकी इसी यरवड़ा जेल में ही बी आर अम्बेडकर के साथ बी आर अम्बेडकर गए थे गांधी जी के पास और फिर वहाँ पर उनकी इस बात को मान लेते हैं और इसी को नाम दिया गया पूना समझौता जी शंकर सैनी जी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग अगला प्रश्न देखिएगा दी इंडियन स्ट्रगल नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद जवाहरलाल नेहरू लाला लाजपत राय सुभाष चंद्र बोस बताइएगा सभी लोग जी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है द इंडियन स्ट्रगल अगला प्रश्न देखिएगा मौद्रिक नीति या जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी तो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है भाई भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है यानी भारत में कितना कैश किस कौन सी योजना रुपए पैसे की कितनी दर होनी चाहिए किसमें इंटरेस्ट बढ़ाना है किसमें कम करना है ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में बनाई जाती है आपको बताना है कि मौद्रिक नीति भारत में कौन तय करता है नीति भारत में आरबीआई आरबीआई तय करता है। के इस समय गवर्नर कौन है भाई? इस समय गवर्नर है शक्तिकांत दास जी कौन है शक्तिकांत दास और ये कौन से नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आरबीआई भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है अगला प्रश्न देखिएगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, है बच्चों मुंबई में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल उन्नीस 1934 पैतीस का एक्ट उन्नीस अगला प्रश्न देखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी जो आने वाला 2024 का 2024 का जो समर ओलंपिक होगा ये समर ओलंपिक कौन से देश में होगा सभी बच्चे जरा बताइएगा ये समर ओलंपिक कौन से देश में आयोजित किया जाएगा जापान रूस कोरिया फ्रांस पिछला वाला कहां हुआ था भाई जापान के टोक्यो में हुआ था कहां पे हुआ था जापान के टोक्यो में इस बार वाला कहां पर होगा 2024 वाला फ्रांस उत्तर आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर है वेल डन फ्रांस में होगा इस बार वाला 2024 वाला पिछली बार कहां हुआ था भाई टोक्यो में ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा लोकसभा में लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन उन्नीस की जनगणना पर आधारित है यानी वर्तमान में भारत में लोकसभा में कितनी सीटें हैं पांच सीटें हैं और ये निर्णय किसके आधार पर है परिसीमन आयोग के आधार पर लेकिन यह निर्णय कब तक यथावत रहेगा यानी कब तक भारत में इतनी ही सीटें रहेंगी कब जो है परसीमन आयोग अपनी नई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और फिर उसके हिसाब से क्या होगा आवंटन होगा सीटों का तो जरा बताइएगा बच्चों राइट आंसर होगा 2026 2026 तक भारत में इतनी ही सीटें चलती रहेंगी इसके बाद इसमें बदलाव किया जाएगा अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है यानी ये सारे के सारे भारत के क्या है साथियों ये सारे के सारे बंदरगाह है बच्चों तो यहाँ पे बताइएगा बंदरगाह भारत के कौन सा बंदरगाह भारत, भारत के पूर्वी तट पर ये वाला तट बच्चों क्या है पूर्वी तट है और ये वाला तट क्या है पश्चिमी तट है तो कौन सा बंदरगाह आपको बताना है कि पूर्वी तट का नहीं है इसका मतलब पश्चिमी तट का है जी क्या आंसर आ रहा है विपिन जी गोविंद सुनील संत सुचिता वेरी नाइस बहुत बढ़िया सागर कश्यप जी डी आयुष यादव डी अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा कांडला क्योंकि कांडला भाई कहाँ पर है कांडला बच्चों आपके गुजरात में है और गुजरात कौन से तट पर आता है गुजरात आपके पश्चिमी तट पर आता है ठीक है भारत में कितने राज्यों में में तट सीमा है या कहा जाए समुद्र तट रेखा है भारत के नौ राज्यों में तट रेखा है तट रेखा है जिसमें से सबसे लंबी किसकी है सबसे लंबी है गुजरात की गुजरात की लगभग सोलह सौ किलोमीटर है और सबसे छोटी बच्चों किसकी है सबसे छोटी है गोवा की गोवा की जो तट सीमा है वो लगभग एक एक किलोमीटर है ठीक है तो यहाँ से एक ही प्रश्न था लेकिन कई सारे प्रश्न आपके हो गए अगला प्रश्न देखिएगा एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कोई हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट का अगर कोई जज है यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसे अपना त्याग पत्र यानी कि अपना इस्तीफा किसे देना होता है किसे संबोधित कर सकता है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या फिर राज्य के मुख्यमंत्री क्या होगा ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है प्रेसिडेंट साहब को यानी राष्ट्रपति साहब को वो अपना इस्तीफा दे सकता है अगला प्रश्न देखिएगा गोमिया गोमिया कहाँ है बच्चों गोमिया जो क्षेत्र है ये आपके झारखंड में है आपको बताना है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र मैंगनीज उर्वरक या फिर विस्फोटक फैक्ट्री किस तौर पर इसे जाना जाता है झारखंड के गोमिया को जी कोयला क्षेत्र बताया जा रहा है यहाँ पे बच्चों राइट आंसर होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा विस्फोटक फैक्ट्रीज हैं यानी कि एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा भंडार है वैसे ही कोयला क्षेत्र भी है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है झारखंड का जरिया झारखंड का जरिया 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 में भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और दूसरे नंबर पे कहा है पश्चिम बंगाल का रानीगंज पश्चिम बंगाल का रानीगंज ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है जून 2022 में जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था भाई राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ 2022 में हुआ था तो पक्षी या कहा जाए सत्ता पक्ष की तरफ से कौन खड़ा हुआ था द्रौपदी मुर्मू विपक्ष की तरफ से कौन खड़ा हुआ था जरा बताइएगा विपक्ष की तरफ से किसे खड़ा किया गया था मीरा कुमार जयराम रमेश यशवंत सिन्हा या फिर द्रौपदी मुर्मू बताइएगा किसको किसका नाम था राष्ट्रपति में जी चंदन यादव जी कह रहे सिन्हा बिल्कुल सही उत्तर है यशवंत सिन्हा का नाम विपक्ष की तरफ से दिया गया था अगला प्रश्न देखिएगा भारत के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 300 में भारत का क्या नाम दिया गया है यानी अपने प्यारे भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है द यूनियन गवर्नमेंट द यूनियन ऑफ इंडिया इंडिया या फिर भारत बताइएगा किस नाम से किस नाम से इसमें दिया गया है आर्टिकल 300 में जी सभी बच्चे उत्तर दीजिएगा बी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है द यूनियन ऑफ इंडिया द यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है अगला प्रश्न देखिएगा राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है असम राजस्थान मध्य प्रदेश सिक्किम क्या होगा राइट आंसर जी यशवंत राजपूत जी अच्छा अरे बाप रे चलिए बताइएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहाँ पर है असम में ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा चुनाव आयुक्त यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इन्हें हटाया किसकी सिफारिश पर जा सकता है अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाए तो तो ये चुनाव आयुक्त समय है कौन राजीव कुमार तो इनका कार्यकाल कितना होगा बच्चों पांच साल बी पे देखिएगा राइट आंसर होगा इयर्स इयर्स या तो यानी कि भी पैंसठ वर्ष की इनकी आयु हो जाए इनमें से जो भी पहले होगा तो वही इनका कार्यकाल होता है राइट आंसर क्या होगा सिक्स इयर्स ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा राज्य विधान मंडल राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है यानी कि जैसे कि जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र में केंद्र में भी दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा जिसमें क्या होता है लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है तो आपको बताना है कि राज्य विधान मंडल में अगर देखें तो उच्च सदन क्या होता है भाई उसी प्रकार से उसी प्रकार से विधान परिषद अगर हम राज्यों में देखें तो राज्यों में विधानसभा जो है वो निम्न होती है यानी निम्न सदन और विधान परिषद जो होती है वही उच्च सदन होता है वही क्या होता है उच्च सदन होता है ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा जी चलिए अब देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा चालक बैच पर मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है भाई होगी जल्दी ही होगी आपके सत्यम सर लौटेंगे ठीक है सत्यम सर अभी थोड़ा सा कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं इस वजह से चलिए अभी देखिएगा एशियाई खेल 2023 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है एशियाई खेल एशियन गेम्स मैंने अभी आपको बताया भी था अभी एशियन गेम्स के बारे में बताया भी था तो ये एशियन गेम्स 2023 किस शहर में आयोजित किया गया भाई होंग्जो होंगजो कहाँ पर है आपके हॉन्गजो बच्चों आपके चीन में है तो होंगजो में हुआ था और चीन ही नंबर वन पे भी रहा चीन ही नंबर वन पे भी इस बार रहा है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिएगा नाबार्ड नाबार्ड का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है सभी बच्चे बताइएगा वैसे यहाँ लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो नाबार्ड के ऊपर जो पूरी कंट्रोलिंग होती है जो पूरा स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है आरबीआई के पास एसबीआई के पास या या फिर सेबी के पास या इंडियन गवर्नमेंट के पास यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय स्टेट बैंक सेबी या फिर भारत सरकार भाई नाबार्ड के ऊपर किसका कंट्रोल होता है बच्चों सेबी के पास अच्छा सोनकर जी सेबी के पास नहीं होता है नाबार्ड के ऊपर पूरा फुल कंट्रोल या कहा जाए फुली फुली इसके पर किसका नियंत्रण होता है भारत सरकार का होता है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई भी नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है ठीक है चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 आया था भाई ये एक इंडेक्स कब आया 2023 में तो आपको बताना है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान क्या एक सौ 132वां, एक सौ फिर 120वां? सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताएंगे कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान बच्चों क्या रहा है सभी बच्चे जरा कॉमेंट करके बताइएगा एक सौ एक सौ छब्बीसवा एक सौ बीसवा इस तरीके के प्रश्न आएंगे देखिए पढ़िए लेकिन स्मार्ट स्टडी करिए बेमतलब में गलत दिशा में पढ़ने की जरूरत नहीं है जो चीज आपको आपके टारगेट तक ले जाए वो चीज करिए ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है एक सौ छब्बीसवा स्थान है भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में अब बताइएगा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है 2023 में अभी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी इसमें कौन सा देश जीता है भारत ईरान जापान दक्षिण कोरिया क्या होगा बच्चों राइट आंसर भारत ईरान जापान या फिर आपका दक्षिण कोरिया बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है भारत और बच्चों भारत ने किसको हराया है भारत ने ईरान को हराया है अच्छा बहुत सारे बच्चों को शायद ये बात ना पता हो कबड्डी जो है ना कबड्डी नेपाल का राष्ट्रीय खेल है नेपाल का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और एक चीज और भी आपको बता दें कि हमें लगता है कि ईरान वगैरह कबड्डी उबड्डी नहीं खेलते भारत के बाद अगर देखा जाए भारत के बाद अगर सबसे अच्छा कबड्डी खेलने वाला देश है कोई तो वो ईरान है ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा हाल ही में अभी हाल ही में हम लोगों ने एक ट्रेन दुर्घटना बहुत ज्यादा सुनी थी बच्चों कौन सी बालासोर ट्रेन दुर्घटना तो ये बालासोर जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी इसका संबंध किस राज्य से है सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताएंगे किस राज्य से संबंधित था बालासोर ट्रेन दुर्घटना असम उड़ीसा पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश कॉमेंट करके बताइएगा बालासोर ट्रेन दुर्घटना किस राज्य से संबंधित है जी बी उत्तर आ रहा है ओडिसा बिल्कुल सही उत्तर है ओडिशा राज्य में ये बालासोर ट्रेन दुर्घटना हो गई थी जिसमें इसमें करीब साढ़े तीन सौ से चार सौ लोगों की जान चली गई ठीक है अस्पताल में कुछ लोग मरे कुछ लोग ऑन द स्पॉट मरे लेकिन कुल मिला के साढ़े तीन सौ से चार सौ लोगों की इस बाला बालासोर ट्रेन दुर्घटना में क्या हो गई थी भाई डेथ हो गई थी ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा हाल ही में जारी अच्छा ये वाला हो चुका है आपका पासपोर्ट वाला अगला प्रश्न देखिएगा हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुद्धिशियल इंटेलिजेंस ए आई ए आई पर आधारित एक तो बताइएगा ये एक्स ए आई जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है यानी कि जैसे चैट जीपीटी आया था उसी प्रकार से ए आई एक्स ए आई किसने लॉन्च किया है एलॉन मस्क मार्क जुकरबर्ग बिलगेट्स या फिर जेफ बेजोस क्या होगा राइट आंसर बच्चों तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर होगा आपका एलोन मस्क एलोन मस्क जो है एलोन मस्क इस समय कई सारी कंपनियों के मालिक हो चुके हैं अगर देखा जाए तो स्पेस एक्स जो कि कोई किसी भी किसी भी कोई भी पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है यानी कि स्पेस में जाने वाली या स्पेस में लोगों तो को लेकर जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है साथ ही साथ ये बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां बनाने वाली पहली कंपनी है एक तरीके से टेस्ला टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला के मालिक है स्पेस के मालिक है और इस समय ट्विटर भी ट्विटर भी इन्हीं के हाथ में है ट्विटर भी इन्हीं के हाथ में है तो इन्होंने कौन सा लॉन्च किया था एक्स एआई ठीक है एलन मस्क अगला प्रश्न देखिएगा भारत में भारतीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों बताइएगा भारत में भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है जी शुभी अमन बच्चों अगर अभी तक की क्लास अच्छी लगी है तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स जरूर कर दीजिएगा ठीक है सभी बच्चे जी 9 जनवरी को बिल्कुल सही उत्तर है 9 जनवरी क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से कौन कर आया था भाई दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है 9 जनवरी अगला प्रश्न देखिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था बच्चों शहनाई सरोज संतूर या फिर हारमोनियम चलिए सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था शहनाई सरोद संतूर या हारमोनियम सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके ए शहनाई से शहनाई से इनका संबंध था और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है ठीक है हालांकि अब इनकी डेथ हो गई है अगला प्रश्न देखिएगा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? है भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आठ है कौन कौन से सत्रिया कथक मणिपुरी मल मोहिनी अट्ट भारतनाट्यम कथक मणिपुरी है ना ये सारे हैं चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर कथकली जी डी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश इसमें मुखौटा लगा के डांस किया जाता है भाई मुखौटा लगा के डांस किया जाता है और ये लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश साथ ही साथ भूटान में भी किया जाता है पे भूटान में भी नृत्य किया जाता है अगला प्रश्न देखिएगा मैंने कहा कंप्यूटर की लैंग्वेज है वेब को डिजाइन करने के लिए किसी भी वेब वगैरह को कंप्यूटर में डिजाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो जरा बताइएगा एस टी एम एल एस टी एम एल का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हायर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं क्या होगा राइट आंसर सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा जी बी उत्तर आ रहा है एकदम सही उत्तर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्न देखिएगा भारत में भारत में बच्चों जो चिपको आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इसमें कहा गया अगर किसी को भी पेड़ काटना है तो पहले खुद चिपको इससे सारे लोग इस पेड़ से खुद चिपको और फिर इसके ऊपर आरा चलाओ जितना आरा चलाना है उतना आरा चलाओ तो ये चिपको आंदोलन जो है सबसे पहले किस राज्य में बच्चों शुरू किया गया था कर्नाटक आंसर आ रहा है महाराष्ट्र में है तमिलनाडु है भाई इसका संबंध किससे है यहां पर देखिएगा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश क्योंकि ये ये कब चलाया गया था आंदोलन चलाया गया 1973 में और उस समय जो उत्तराखंड था ना उत्तराखंड में चलाया गया था तो उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड जो है वो यूपी का ही हिस्सा था इस वजह से और इसमें सबसे सबसे बड़ा नाम किसका आता है सुंदरलाल बहुड़ा सुंदरलाल बहुड़ा जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी और आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुड़ा का भी पिछले साल ही बच्चों निधन हो गया है उनकी मृत्यु हो गई है तो ये प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है अगला प्रश्न देखिएगा रेल बजट भाई रेल का जो बजट है वो रेल बजट किसका हिस्सा होता है रेल बजट साथियों किसका हिस्सा होता है केंद्रीय बजट का हिस्सा राज्य के बजट का हिस्सा केंद्र और राज्य बजट के बजट से अलग या केंद्रीय बजट से अलग यहां पर सही आंसर क्या होगा रेल बजट को लेकर सभी बच्चे जरा कमेंट करिएगा सागर कश्यप सोनकर मुक निकुंज सदानंद विपिन पांडे एन एस के सन सरोवर वेरी नाइस बादशाह जी सेंट्रल बिल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि उन्नीस सौ 2017, 2017 से 2017 से रेलवे बजट और जो आम बजट होता है इन दोनों को मिला दिया गया है इन दोनों को मिला दिया गया है ठीक है इससे पहले रेल बजट और आम बजट दोनों जो है वो क्या कैसे आते थे अलग अलग आते थे लेकिन 2017 में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया तो केंद्रीय बजट का हिस्सा कहलाएगा ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है कर्नाटक तमिलनाडु ओडिशा छत्तीसगढ़ चलिए बताइएगा सतीश कुमार जी ए केटी 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 बिल्कुल सही उत्तर है केटी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में ये एक टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए लेकिन 2019 में इसमें भीषण आग लग गई थी भयंकर आग लगी थी बुझाने में बहुत समय लग गया था बांदीपुर अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बांधवगढ़ और बांदीपुर में बांधवगढ़ भाई कहाँ है बताइए जरा कॉमेंट करके बांधवगढ़ कहाँ है अगला प्रश्न देखिएगा व्हाट इज is... अच्छा वो जो काम पानी बह रहा था ना मेरी आंख से पानी बहता नाक से नहीं भाई किस फिल्म ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 जीता है वैसे जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बच्चों जो सबसे मेन पुरस्कार होता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट का होता है किसका होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट का ठीक है क्योंकि ये भाई जो लोग अपने करियर में लगातार अच्छा काम करते चले आ रहे हैं सालों बीत जाते हैं तो सबसे मेन पुरस्कार ये होता है लेकिन उसके अलावा बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट डायरेक्टर बेस बेस हर फील्ड में दिया जाता है तो फिल्म में किसको दिया गया ठीक है फिल्म में दिया गया है कश्मीर फाइल्स को किसको दिया गया है कश्मीर फाइल्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला अक्सर पूछा जाता है तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा वहीदा रहमान को दिया गया था किसको वहीदा रहमान ठीक अगला प्रश्न देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यूपीएससी तो यूपी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं यानी चेयरमैन साहब जो होते हैं ये अगर इनको अपना इस्तीफा देना है या त्याग पत्र देना है तो ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं चलिए बताइएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको देंगे भाई तो संघ लोक सेवा आयोग के चाहे चाहे यूपीएससी का चेयरमैन हो और चाहे उसके सदस्य हो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और जब नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो ये अपना इस्तीफा भी किसको देते हैं राष्ट्रपति को ही देते हैं यानी बी ठीक है राष्ट्रपति साहब को ही देंगे और इससे संबंधित बच्चों अनुच्छेद कौन सा है कई बार बताया है तीन सौ पंद्रह से तीन सौ तेईस और इनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ दी है तीन सौ सत्रह में इनका रिमूवल अच्छा इस समय कौन है मनोज सोनी बिल्कुल सही उत्तर है मनोज सोनी है इस समय यूपीएससी के चेयरमैन अगला प्रश्न देखिएगा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भाई मैंने मैंने जैसे ही क्लास स्टार्ट की थी और क्लास स्टार्ट करते ही आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था था एक प्रश्न ये पूछा था कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जब से के बारे में सुना है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो अगर जिस भी बच्चे ने किया होगा वो बच्चा पूरी तरीके से इस क्लास को समझ रहा होगा कि ये एक क्लास एकदम सटीक पैटर्न बेस्ड है यानी जैसे प्रश्न आए हैं वही फील्ड है वही प्रश्न है ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भाई मीरा कुमार मीरा कुमार जी कब बनी थी 2009 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आई तब तो भारत में लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा 2024 में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कि मेजबानी कौन सा देश करेगा 2024 में क्योंकि बच्चों चिंता का सबब बन चुका है एआई जहां पर इसके बड़े सारे फायदे हैं वहीं पर इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रोजगार को है एम्प्लॉयमेंट को है क्योंकि एआई की वजह से चार व्यक्ति का, का काम एआई सिंपल कर देता है अकेले ही तो बाकियों की जरूरत नहीं पड़ती तो भाई रोजगार का सृजन कैसे किया जाए काम तो आसान हो गया स्पीड आ गई वर्क में एफिशिएंसी आ गई लेकिन एआई का फिर अल्टरनेटिव कैसे ढूंढा जाए कि इंप्लॉयमेंट ना खराब हो तो उसके लिए सबमिट होनी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा देश करेगा यहाँ पर तो देखिएगा पहले कर, किया जाएगा दक्षिण कोरिया में फिर दक्षिण कोरिया के बाद फ्रांस में यानी 2024 में ये दो, दो ये दो देश इसमें शामिल रहेंगे दक्षिण कोरिया और फ्रांस ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति उर्वरक से संबंधित है तो जरा बताइएगा उर्वरक यानी बच्चों फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का प्रयोग किस चीज में किया जाता है खेतों की उपज को बढ़ाने के लिए तो बताइएगा यहाँ पर उर्वरक का संबंध किस किस कलर की क्रांति से है या किससे है बताइएगा राइट आंसर बच्चों क्या होगा स्लेटी क्रांति या फिर कहा जाए ग्रे रिवॉल्यूशन तो ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध उर्वरक से है अगला प्रश्न देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाई टाइम भी देखना होगा चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं का मतलब होता है कि इन्हें इनके अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवाद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सूट कर सकते हैं या आप किसी के नाम भी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सिबल नहीं होता उसको जबरदस्ती आप किसी पर नहीं कह सकते कि इन्होंने नहीं मेरे लिए नीति बनाई आप उसके लिए कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते तो ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है ये बात लिखी है आर्टिकल 37 में और आर्टिकल 37 खुद ही डीपीएसपी का ही पार्ट है डीपीएसपी बच्चों कहाँ दिया हुआ है भाग चार में भाग चार में कहा से छतीस से लेकर इक्यावन तो सैतीस में साफ साफ कह दिया गया है कि ये इन्फोर्सिबल नहीं होगा यानी इसके के लिए आप कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का सबसे उच्चतम कर स्लैब है यानी सबसे ज्यादा जो जीएसटी का स्लैब रेट है बच्चों वो स्लैब रेट सबसे उच्च कौन सा है जी बारह परसेंट अट्ठारह परसेंट बीस परसेंट अट्ठाईस परसेंट भाई अट्ठाईस परसेंट बीस परसेंट कोई रेट ही नहीं है जीरो है और फाइव है ट्वेल्व है अट्ठारह है और अट्ठाईस और सबसे बड़ा रेट कौन सा है सबसे हाई स्लैब रेट बच्चों कौन सा है 28 वाला। पाल टाइगर किस क्लास अच्छी लगी है तो आप जिस भी ग्रुप में हो या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो उन सभी जगहों पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है लाइक तो यहाँ पे आप करेंगे शेयर कर दीजिएगा ठीक है चलिए यहाँ पे देखिएगा राइट right आंसर क्या होगा उड़ीसा उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप देखिएगा भारत में अगर कॉफी की खेती करनी है भारत में बच्चों अगर कॉफी की खेती करनी है तो सबसे आदर्श जगह कौन सी है सिंधु और गंगा की घाटी ब्रह्मपुत्र की घाटी दक्कन का पठार या फिर कच्छ करण भाई कच्छ करण ये है आपका ब्रह्मपुत्र की घाटी असम वाली है आपकी ठीक है सिंधु सिंधु और गंगा का मैदान ये उत्तर भारत हो गया दक्कन का पठार दक्षिण भारत हो गया तो कहां पर कहां पर कॉफी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो होगा मैम ये क्लास चलेगी। जी, जी, दस चल रही है। और वैसे भी मैंने कल भी शायद आपको बताया था कि कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है कर्नाटक कर्नाटक किसका हिस्सा है दक्कन के पठार का हिस्सा है अब देखिएगा अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम अंतरराष्ट्रीय टेनिस टेनिस का भी हॉल ऑफ फेम होता है यानी जहां पर जितने भी टेनिस के महान खिलाड़ी हुए हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है उनको उसमें शामिल किया जाता है तो पहले एशियाई कौन बन गए हैं भारतीय नहीं पहले एशियाई व्यक्ति कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है साथियों ओके सी चंदन जी अमन जी कह रहे मैम सीट बहुत कम है एल का फॉर्म भरे या नहीं भरे भाई सीट आपको एक ही लेनी है अमन जी आप उसके लिए चाहे आपके पास कहा जाए कि नब्बे हजार सीटें हो जाती तब भी आपको उतनी ही मेहनत करनी थी और अब भी आपको उन्हीं लोगों से कॉम्पीट करना है तब भी उन्हीं से कॉम्पिटिशन था आज भी उन्हीं से कॉम्पिटिशन है ठीक है आप देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई लियंडर पे लियंडर पेस जो है पहले एशियाई बने हैं जिनको कहाँ शामिल किया गया है ऑफ़ में अगला प्रश्न देखिएगा तेलंगाना किस वर्ष भारत का दो राज्य बना था बच्चों 2012 2013 2014 2015 बताइएगा भारत का उन्तीसवा राज्य कब बना भाई शेयर आप ही लोग कर दीजिए ठीक है सभी लोग शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए तेलंगाना किस वर्ष बना 2014 में कब बना 2 जून 2014 को तेलंगाना की राजधानी क्या हैदराबाद हैदराबाद किस नदी के किनारे है मूसी नदी के किनारे है अगला प्रश्न देखिएगा फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं भाई किस ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस फोबोस और डीमोस शुक्र बुद्ध मंगल बृहस्पति जी क्या आंसर आ रहा है सी बिल्कुल सही उत्तर है मंगल मंगल के दो ही ग्रह दो ही उपग्रह है और वो दोनों यही है फोबोस और डीमोस ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा जीएसटी परिषद भाई जीएसटी की जो काउंसिल है ये जीएसटी की काउंसिल के बारे में कहा दिया हुआ है दो ए में अनुच्छेद दो ए में इसमें कितने सदस्य होते हैं बच्चों इसमें इस काउंसिल में 33 सदस्य बनाए जाते हैं जो जीएसटी के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई कहाँ जीएसटी कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए किस सीट पर होनी चाहिए किस सीट पर नहीं होनी चाहिए तो जीएसटी परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताइएगा तो भाई जीएसटी जी परिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आर्टिकल दो ए में और इसमें सदस्यों की संख्या तैतीस होती है ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा काकरा पार ये प्रश्न आपका बच्चों होमवर्क प्रश्न है सभी बच्चे इसको नोट कर लें होमवर्क प्रश्न है आपका काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है ये किस कहां पर है ये किस राज्य में स्थित है या किस केंद्र शासित प्रदेश में गुजरात पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड सभी बच्चे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है तो आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आप बताइएगा और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं हमारे ऐप से तो हमारे ऐप पर जाकर आपको सारे बैचेस जितने भी जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं वैसे रेलवे वाले बच्चे चालक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप का नाम है एम डी क्लासेस ऑफिशियल ऐप तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अंजू मैम एम डी क्लासेस तो वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो चो, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा क्या प्रीवियस ईयर पेपर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कमेंट मुझे जरूर देखना है ये कमेंट से पता चलेगा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है या नहीं लगाया है तो नहीं लगाया है तो जरूर लगा लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम बिल्कुल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है तो आज के लिए इतना ही बच्चों कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए कीप अर्निंग बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग बाय एंड